नदरिया में बड़ा कुछ इस वक्त चल रहा है, बड़ी अहम खबरें पहले मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उस पर तफसील से बात भी करते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने फायज ईसा और कंपनी को ठोक दिया। ठोकने का कहा किसी और ने, वैसे था किसी और को, लेकिन ठोक कोई और गया है। जुमे का दिन है आज। आज वैसे पूरे पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के इस्तीफे के बारे में भी, शदीद नतायज के बारे में भी धमकियां, बल्कि यहां तक जस्टिस वो एजाजुल हसन कह रहे थे कि आज बेंच भी टूटेगा। और बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान सुलह सफाई, और वो तमाम जो उनकी डील की मालूमात है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। दो बड़े जर्नेल लड़ भी पड़े आपस में, वो भी बताता हूं। आला अदलिया में खवातीन, उन पर हमला किया जा रहा है उनकी। जस्टिस सैदुज्जमान सिद्दीकी से काजी फाजिसा के वालिदा की थोड़ी तारीफ भी बताऊंगा, और अरशद शरीफ की बड़ी जीत भी दिखाऊंगा। शहीद जीत गया, लेकिन एक बड़ा तोशाखाना और आजादी इजहार राय पर केस हमारी जिंदगी आसान कर गया। लाहौर हाईकोर्ट में 20 अरब रुपए बचाने के लिए $20 अरब का नुकसान, और चेयरमैन नैब की सहरी किसके साथ हुई वो मैं आपको बताता हूँ। चीफ जस्टिस और पीआईए के पायलट्स के इस्तीफे हैं, एयरपोर्ट्स गैर ममालिक के हवाले उन्होंने कर दी, कब्जे कर दी। आज अगर इसराइल हिंदुस्तान का जो भी जहाज आना चाहे आपके एयरपोर्ट पे जो चाहे कर सकता है। और दूसरी तरफ 88 मिलियन का शहबाज शरीफ का हेलीपैड। सऊदी हुकूमत अरब अमारात हथियारों की सप्लाई, और उसमें रूस को बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है, और बड़े प्लान से। सबसे पहले मैं खान के शुरू करता हूँ। खान के घर पर हमला हुआ सबसे पहले, 7 इलेक्शन मुलतवी हुआ, फिर सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन हुआ ताकि ये जवाबी बयानियां ना बनाएं, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से स्लीपर सेल जागा और कौमी असेंबली के अंदर कानून आया, ये बेंच टूटा, नया बेंच बना, ये सारे डॉट कनेक्ट करें, लेकिन उमर बंदयाल पीछे नहीं हट रहा। बर्मा बॉर्डर लगाने की कोशिश करें, वो क्या मैं बताता हूँ। काजी फायज साहब बिल्कुल नसीम मुटेडा जो था ना, उस वाली वारदात कर रहे हैं सिस्टम खत्म करने के लिए, और इनकी मशावर से ये पीडीएम का मुल्क एक नया आइन तरतीब देना चाहते हैं। इनका मनसूबा फिलहाल यही है, लेकिन रास्ते में रुकावट जो है वो बंदयाल, उमर बंदयाल चीफ जस्टिस। ताजा तरीन सर्कुलर चीफ अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जारी किया, सबकी नजरें सब कुन पे, क्या फैसला करेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। वो सर्कुलर अगर आप पढ़ें तो आपको काफी हद तक अंदाजा होगा, उसके साथ में आगे बाकी खबरें भी रखता हूं। ये स्पेशल बेंच 15 मार्च को वो कहते हैं सर्कुलर में सुमोटो केस आया, जिसमें 2-1 से फैसला, वो 2 जजेस के साथ थे। अब उमर बंदयाल साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी पैराग्राफ 11 से 20 तक की, उसमें 20 से 28 तक भी 2 जजेस में हवायत कर रहे हैं। अदलिया की ताकत के बारे में बात हुई, बुनियादी इंसानी हकूक के बारे में बात हुई, और आजादी इजहार राय मीडिया से मुतल, इन पर मैं आगे चल के थोड़ी और तफसील बताऊंगा। लेकिन आर्टिकल के हवाले से 184(3) ये आर्टिकल आपने जेन में रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। उमर बंदयाल साहब डटे क्यों इसमें, मैं इसकी बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए 15 में से 8 जजेस जो वो इलेक्शन करवाने के हक में है, ये वो चीज है, वो जानते हैं कि कानून और आइन की बालादस्ती हो, ये चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ जो 7 जजेस हैं वो चाहते हैं नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। जस्टिस मुनीर, नजरिया जरूरत, डोगर कोर्ट, जस्टिस कयूम, ये सारा इंसाफ का जो तमाशा है वो चलता रहे। अब एक वोट में चीफ जस्टिस का है, फिर वरना नवाज शरीफ की हमायती तादाद में ज्यादा हो जाती है। अब बाकायदा तौर पर ये लोग कंपनी के जर्नल हैं, इन्हें मैनेज किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट पूरे का पूरा महाज। ये उमर बंदयाल साहब के खिलाफ जो नहीं मैनेज हुए महाज बनाया गया, उन्हें कहा जा रहा है, देखिए वो फरिश्ते नहीं है। कासिम सूरी की रोलिंग का फैसला 12 बजे उन्होंने दिया था, कोई जस्टिस फायज ईसा उस हवाले से आपने, अब ये मेरा जो क्लिप है मैं कहता हूं जरूर कोई काटे, कि जब बल्दियाती इंतखाबात में देर हुई तो यही जस्टिस फायज ईसा जस्टिस मकबूल के साथ बल्दियाती इंतखाबात के इसके अल्फाज रिमार्क्स क्या थे काजी फायज ईसा साहब के ऑन रिकॉर्ड पे, कि पंजाब का हाल आपने मशरकी पाकिस्तान वाला करना चाहते हैं, क्या लोग जमहूरियत से महरूम रहे, इतना बड़ा सूबा पंजाब नुमाइंदगान से महरूम हो, इलेक्शन कमीशन में अखराजात से डर। अब ये बातें बल्दियाती और आज ये शख्स क्या कर, पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन में अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, यानी तुम मेरी दुम पे खारिश करो मैं तुम्हारी दुम पे खारिश करूं, अजीब सा लगता है उर्दू में इसको ट्रांसलेट करना। डट कर खड़ा है बंदयाल, मैं बार बार कह रहा हूं तारीख याद रखेगी अगर ये फैसला कर गए। इस वक्त एक फजा बनाई जा रही है, चीफ जस्टिस इस्तीफा दे रहे हैं, इसकी खवातीन पर हमले किए जा रहे हैं कि जो वो सारे रिश्तेदार हैं इमरान खान के जलसों में आती हैं, लेकिन आप यकीन करें ऐसा ना इस्तीफा होगा ना कुछ होगा। 1997 में मुस्लिम लीग नून ने चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को रोकने के लिए जस्टिस इरशाद हसन की सरबराई में 3 रुकनी बेंच बनाया था, ये याद रखिए मेरी बात। 2023 में जस्टिस फायज ईसा को खसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं, सुमोटो के आयन के बाद वो तमाम केसेस मुलतवी कर दें जी, तो क्यों कर दें, अच्छा करें फिर चले। वारदात भी वही, खेल भी वही, मोरे भी वही, खिलाड़ी भी, फर्क सिर्फ ये इस दफा बंदा एक सामने आ गया। इनकी मुनाफकत का अंदाजा आप करें कि सिर्फ 2 लाइनों में, नून लीग 2012 में यूसुफ रजा गिलानी को नैल किया जब, तो सुप्रीम कोर्ट को नून लीग ने कहा यह तारीखी फैसला है, यूसुफ रजा गिलानी था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब नवाज शरीफ को नैल किया तो पीपल्स पार्टी ने कहा इंसाफ की बालादस्ती होगी, तारीखी फैसला है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत करके कासिम सूरी की रूलिंग और उसके उसको बहाल किया जाए, उस वक्त जो असेंबली थी तो उन्होंने कहा आइन की बालादस्ती, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों। और आज 2023 में सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन पर फैसला देती है तो कहते हैं आइन तोड़ा जा रहा है, मुदाखलत की जा रही है, ना इंसाफी की जा रही है। ये सारा आयन शायद रजा यूसुफ गिलानी नवाज शरीफ की नायली उन पे जो हो सारा तो सब कुछ ठीक है। अब आपको इनकी मुनाफकत समझ आ गई। दूसरी तरफ मुनाफकत चेक करें जरा मंदुखेल साहब की, कल मैंने आपको उनके बारे में बता दिया था ये बेंच से नहीं अलग हो, लोग कहते इनको कैसे पता चला, भाई पता चल जाता साहब, इन्होंने अपने नोट में लिखा ये जो ऑर्डर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं डिक्लेयर किया, पूरे चीफ जस्टिस में कहते मुझे चीफ जस्टिस ने शामिल करते मेरे पूछा नहीं मुझसे, मैं इसलिए बेंच से अलग हो। पूरे पाकिस्तान को पता है ये बेंच कैसा, मैं आपको कल कह रहा था आप नहीं बनेंगे बेंच कैसा, मुझे पता था आपको नहीं। ये स्टेट ड्रामे मस्ताना कहता ना, वो नाराज फूफियां खाला दरवाजे पे अगर को आ जाए, नाराज होने का बहाना होता है, तो दरवाजा का कौन है, अच्छा हम आप कौन हो गए, फिर 2-3 साल नाराज।
सुप्रीम कोर्ट ने तो सीधी इजाजत से बड़ी सी बात है कि बेलबास कर दिया सब। उसने कहा जो कोर्ट इनके माथे पर रखा हुआ है कौन नवाज शरीफ का साथी है, ये अवाम के साथ ज्यादा कर रहे हैं किसी और के साथ नहीं। तो जो शहबाज शरीफ कहता है उन जजेस के खिलाफ हमारे केस लगाए ना जो हमारे खिलाफ है। पीपल्स पार्टी के टॉप के वकील तमाम जजेस इस वक्त यूनैनिमसली इस चीज पर एग्री हैं कि इलेक्शन एक दिन भी आगे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए जस्टिस उमर बंदियाल को नताइज का सामने शदीद नताइज का पैगाम भिजवा रहे। पीडीएम समझिए कुछ जज कुछ जर्नेल हमारे साथ है, हमें फायदा होगा। अब वकला की तहरीक